मोरक्को के तीन और वीज़ाज जो सदीक ट्रैवल्स की कसरत ऐसी की बदौलत ग्रांट हुए हैं। रिसेंटली ही तीनों एप्लीकेंट्स के वीज़ा अप्लाई किए और तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के प्रोसेसिंग टाइम के बाद इनका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करने के 3 फ़ायदे हैं और वो ये हैं। पहला फ़ायदा कि जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सेम डे में ही पता चल जाता है कि एम्बेसी आपको वीज़ा देने वाली है या नहीं। उसी टाइम जब आप अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं आपको बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। सेकेंडली, अगर इन्होंने वीज़ा देना हो तब ही आप इसकी एम्बेसी की फ़ीस देते हैं, अदरवाइज़ एम्बेसी की फ़ीस भी नहीं ली जाती। तो बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस बात से डरते हैं कि हमारे पैसे ना ज़ाया हो जाए, तो अगर इनका वीज़ा इन्होंने ना देना हो तो ये एम्बेसी की फ़ीस भी नहीं लेते। तीसरी बड़ी बात ये है कि इन केस इन्होंने वीज़ा आपका रिफ्यूज़ करना हो तो आपके पासपोर्ट पर कोई भी रिफ्यूज़ल की स्टैम्प नहीं लगती, ना ही आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए वेट करना पड़ता है, आपको उसी वक्त पासपोर्ट भी रिटर्न कर दिया जाता है। मोरक्को जो अपना बॉर्डर स्पेन के साथ शेयर करता है और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी कंट्री है, अगर इसकी एम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए तो 12,000 इसकी एम्बेसी की फ़ीस है। और इसका वीज़ा आप फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई भी कर सकते हैं और बआसानी आपका वीज़ा लग भी सकता है, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हों और आपकी फ़ाइल जो है वो प्रॉपर बनी हो। अगर आप इसका वीज़ा ले लेते हैं, अगर आप इसके पासपोर्ट पर इसका स्टैम्प हो जाता है, आप ट्रैवल कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री अच्छी कंट्री काउंट की जाती है। डेफिनेटली ट्रैवल हिस्ट्री जब बनती है तो आपके पासपोर्ट की वर्थ होने की वजह से आप बाद में किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बआसानी वीज़ा ग्रांट कर दिए जाते हैं। करंटली इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और हमने गुज़िश्ता रोज़ जितने भी वीज़ा अप्लाई किए हैं उनमें से कोई एक वीज़ा भी रिफ्यूज़ नहीं हुआ, बल्कि तमाम के तमाम वीज़ा जो हैं वो हमारे ग्रांट हुए हैं। सो मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हों तो आप 100% जो है प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं तो बआसानी आप मोरक्को का वीज़ा ले सकते हैं। सेकेंडली, डेफ़िनेटली कंसल्टेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल किस तरह से बनाई गई है। तो चूँकि हमने जितने भी वीज़ाज अप्लाई किए हैं 100% वीज़ा अप्रूवल रेशो रही है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमसे अच्छी वीज़ा कंसल्टेंसी मोरक्को से रेलिवेंट आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि अब तक हमारा वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो 100% रहा है। अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ देखें तो हमने मोरक्को के बहुत सारे वीज़ाज अप्लाई किए और सभी वीज़ाज जो हैं वो ग्रांट हुए हैं। अगर आप मोरक्को जाने के इंटरेस्टेड हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, आप मोरक्को वीज़ा से रेलिवेंट को कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफिस टाइम होता है, इस दौरान आप हमें फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि तमाम तर नई आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।